स्टूडेंट टुडे इज वी आर सॉल्व इलिस्ट्रेशन फिफ्थ, ठीक है, ऑफ अकाउंटेंसी। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि आपको देखनी है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या फिर आपकी जो फिक्स कैपिटल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इजी सा है। आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है कि आपको जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनानी होती है तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस जो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जिसको वो लिखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो फिक्स कैपिटल अगर दी होती है तो उस टाइम जो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं पार्टनर्स के, उस टाइम आपको दो अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक है, हम कल करेंगे। ओके, आज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा ईजी है, ध्यान से देखना। कि शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017, कंट्रीब्यूशन 5 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब शिव का हो गया 5 लाख और हरी का हो गया 2 लाख, जो उनकी कैपिटल है, ठीक है। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2017। मतलब हरी ने एक नई एडिशनल कैपिटल लगाई है जो कितने की है, 1 लाख की है। फिर उसके बाद दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान रहे, हरी की जो उसने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल, उसकी कोई डेट गिवन है आपको, ये रही वो ध्यान रखना, 1 जुलाई 2017। ये कब काम आएगी, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करोगे। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। रेशियो क्या है, 3:2। पहले कैपिटल इतनी इतनी थी, उसमें हरी नई कैपिटल लेके आए 1 जुलाई 2017 को 1 लाख की। तीन चीज़ें अभी हमने देखी है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको दी हुई है कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि शिव एंड हरी ईच अलाउ ए सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर। पर क्वार्टर का मतलब बड़ा ईजी है, कुछ नहीं होता। पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब पूरे साल को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोला जाता है। तो अगर एक क्वार्टर की 5,000 है तो पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो उनकी सैलरी पर ईयर की कितनी होगी, 20,000, ठीक है, ध्यान रही। क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का। उसके बाद है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ एंड कैपिटल ऑफ 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट द 10%। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से उनको देना है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उनसे जो चार्ज करना है वो 10% है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि ड्रॉइंग ऑफ शिवा एंड हरी, दोनों की ड्रॉइंग आपको गिवन है 12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। और प्रॉफिट गिवन है आपको 31 मार्च 2018 का, मतलब साल के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है वो गिवन है आपको, कितना, 1,96,000 का। बनाना क्या है, एक जनरल एंट्री पूछी है, मतलब ये पूछा है कि जनरल एंट्रीज कौन कौन सी होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको जनरल एंट्री नहीं करवा रही, आपको इसमें मैं बताऊंगी कि जब आप कोई भी अकाउंट्स बनाते हो तो उसमें जनरल एंट्री कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका क्रेडिट साइड होता है उसमें सारी प्रॉफिट्स होते हैं किसके, कंपनी के, और डेबिट साइड में सारे कंपनी के लॉस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना था, 1,96,000 का, उसको क्रेडिट में लिख लिया। ये कहाँ से आया है, ये पीएनएल अकाउंट से आया है, इसलिए हमने लिख दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पीएनएल अकाउंट से क्या आया है, 1,96,000 का प्रॉफिट आया है, ठीक है। उसके बाद दोनों को जो सैलरी देनी थी, अभी हम देख लेते हैं कि उनका जो लॉस था कंपनी का क्या था। सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हमने पहले दोनों की सैलरी लिख दी, ठीक है। दोनों की सैलरी कितनी कितनी थी, क्वार्टर की थी 5,000, तो पूरे साल की होगी 20,000, ठीक है। फिर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे काउंट करोगे, आपको पता है जो 8% से लगानी थी शिव की और हरी ने एडिशनल लगाई थी साथ में, तो उसकी टोटल करके फिर आपको क्या लगानी है, पहले तो उसकी तो 1 ईयर की निकाल लेना 2 लाख की, और फिर जो 1 लाख था उसके ऊपर 9 मंथ की निकलेगी, आप काउंट करके देख लेना कितने यूज़ हुई है। अप्रैल से स्टार्ट कर, ये स्टार्ट करना जुलाई से, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो गए, 9 मंथ वो, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करोगे, अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे दी दोनों को। फिर ये अभी नहीं होगा, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है ये सारी ट्रांजेक्शन होने के बाद होता है,
फिर उनको क्या देना है, जो इंटरेस्ट जो ड्राइंग उन्होंने ली है उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी तो करना है। अगर चार्ज करेंगे तो कंपनी के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो चार्ज करेंगे, तो जो उनकी ड्राइंग है 12,000 है और कितनी है 1,00,000 और 10,000 सॉरी, और रेट दी हुई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, अगर मेंशन नहीं होता कि जो ड्राइंग है वो कब ली है, डेट मेंशन नहीं होती, तो हमेशा हमें 6 मंथ के लेनी होती है। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि उन्होंने साल के बीच में वो ड्राइंग निकाली है, ठीक है, बिगनिंग में या एंड में नहीं देखेंगे, तो कितने मंथ्स की लेंगे, 6 मंथ की। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, शिव की कितनी थी 12,000 थी इनटू 10%, मतलब 10/100 इनटू 6 मंथ, 6/12, ऐसे ही इसकी हरी की निकाल लेना। ठीक है, फिर इनका टोटल किया, इसमें से इतना लॉस इन दोनों का, ये माइनस करेंगे तो ये जो बैलेंसिंग आएगा इसको किस रेशो में बांट देंगे, जो उनका 3:2 का रेशो था आई थिंक सो, उसमें बांट देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है कि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी एक चीज़ ध्यान रहे, जो PNL अप्रोप्रिएशन होता है वो कंपनी का होता है, ठीक है, कंपनी का होता है, और दो मतलब होता तो पार्टनर्स के लिए ही है वैसे, पर कंपनी की तरफ से होता है। लेकिन जो पार्टनर कैपिटल होता है ये उनका पर्सनल अकाउंट होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें हमें देखना होता है कि पार्टनर्स को क्या कितना मिलेगा या क्या किससे लिया गया है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नॉमिनल ही होता है। अगर क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट में आपको क्या करना है कि जो कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट में आप हमेशा ये डालोगे कि उन्होंने कितना पैसा लगाया, मतलब उनके अकाउंट उनको मिलेगा तो सही हो कभी ना कभी, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कितना लगाया था, 5,00,000 और 2,00,000, मतलब उनकी जो कैपिटल थी लिख दी। एक चीज़ ध्यान रही, जो कैपिटल है, ड्राइंग है, ये चीज़ें होती हैं लॉन्ग नेचर की, और वो कैपिटल अकाउंट में तो आती हैं और बैलेंस शीट में भी आती है, लेकिन वो अप्रोप्रिएशन में नहीं आती। कारण ये है कि जो हमारा PNL अकाउंट होता है, PNL अप्रोप्रिएशन होता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल मतलब डे टू डे के खर्चे होते हैं ये, ठीक है, तो उनमें कभी भी कैपिटल या फिर जो ड्राइंग होती है वो कभी नहीं आती। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फिर उसने जो हरी था उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी वो भी लिख ली। अब अगर उन्होंने कुछ ड्राइंग निकाली है तो इतना उनका कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया, वो निकाल दिया। अगर इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर इनसे करेंगे तो वो भी इसमें से इतना डेबिट कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इतना इतना उनका डेबिट कर दिया, काट दिया था। फिर पार्टनर को सैलरी मिली थी तो ये क्या उनके लिए प्रॉफिट है, वो भी आ गया। फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, वो भी क्या है, प्रॉफिट आ गया। फिर पार्टनर को PNL अप्रोप्रिएशन से शेयर मिला था, मतलब प्रॉफिट जो बच गया था डे टू डे के खर्चे से वो उनके लिए प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट पार्टनर्स को ही मिलेगा लास्ट में, तो वो भी आ गया। तो नेट बैलेंसिंग आ गया इनका इतना, मतलब 6,17,060 तो किसका है, शिव का, और 3,80,040 हरी का, इतने इतने इनके पास लास्ट में क्रेडिट बैलेंस था। उसमें से कुछ चीज़ें डेबिट थी, जैसे ड्राइंग हो गया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो उनका बैलेंस कैरी डाउन, मतलब नेक्स्ट जो उनके अगर कैपिटल की बात करें नेक्स्ट ईयर, तो इतनी कैपिटल रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।